जैसे ही आप पहली बार माता पिता बनते हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता एक बार को कि अब क्या करूं, क्या करना है, और इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो ये वीडियो एक गाइड की तरह आपके साथ रहेगा, आपकी हेल्प करेगा। सो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि नवजात के जन्म लेते ही घर के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, मिलने वाले आपको भर भर के सलाहें तो दे देंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि इसमें से क्या साइंटिफिक है, क्या सही है। तो ये वीडियो आपको पूरी तरह गाइड करेगा। हेलो एंड वेलकम अगेन। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स हैं, आपका पहला बच्चा है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि फर्स्ट बेबी में तो हमने कई मिस्टेक्स की हैं, तो अब हम मिस्टेक्स ना करें तो ये वीडियो सेकेंड बेबी में भी आपको बहुत काम आएगा। पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कॉमेडी के साथ साथ सेहत की बात हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर, जहाँ आप हंसते खिलखिलाते कॉमेडी के साथ में सेहत की ढेर सारी जानकारी सीख जाते हो, जो आपकी फैमिली, आपके खुद की सेहत को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है। डे टू डे में हर कोई अपनी सेहत के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी ना कभी फेस करता है, तो वो प्रॉब्लम्स आपके डाइट से हल हो सकती हैं, दवाओं तक का सफ़र खत्म हो जाएगा। प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर आप हमें ज़रूर फॉलो करें, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो न्यूबॉर्न केयर टिप्स में आज मैं 10 टिप्स आपको शेयर करूंगी। कुछ मिस्टेक्स आप करते हैं वो आप अब से नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज कि जैसे ही बच्चा आपके पास आता है, न्यूबॉर्न बेबी के नाभि पर प्लेसेंटा लगी होती है, और वो लगभग 5 से 6 दिन में, कई बार 4 दिन में भी सूख कर निकल जाती है खुद ब खुद। लेकिन घर के लोग आएंगे, अगर बड़े बूढ़े आते हैं तो मालूम नहीं कि घी लगाता है, कोई तेल लगाता है, कभी कोई पाउडर लगा देता है। ऐसी गलतियाँ ना करें, इससे आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, पस आ सकता है, ऐसी गलतियाँ ना करें। और जब तक बच्चे के नाभि पर नाल लगी हुई है, तब तक बच्चे को स्पॉन्ज बाथ ही कराना चाहिए, पूरी तरह पानी में बिठा के नहीं नहलाना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी को, ये याद रखिए। अब डायपर पहनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी कि अरे नाभि का ये पोर्शन अंदर रखूं या डायपर के बाहर रखूं, तो अंदर रखने से फ्रिक्शन होगा और इंजरी हो सकती है। इसलिए जब भी आप डायपर पहनाओ, नाभि के नीचे पहनाओ, और नाभि के जगह पर आपको कोई भी चीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। गांव में अक्सर देखा गया है कि गंदी गंदी चीजें, किसी अलग तरह की मिट्टी या गोबर टाइप की चीजें भी अप्लाई कर दी जाती हैं। आप इन मिथ से बचें, बच्चे की नाभि पर कोई भी चीज अप्लाई करने की आपको नीड नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर 5-6 डेज ताकि वो खुद ब खुद ड्राई होकर निकल जाए। दूसरी मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद घर में कोई समझदार महिला अगर होती है तो वो गुट्टी देना सिखा देती हैं, या गुट्टी बना के ले आती हैं, या फिर मार्केट की ये वाली गुट्टी अच्छी है वो दे देती हैं। आपको बच्चे को कोई भी गुट्टी नहीं देनी है, मोस्टली उसमें मसाले होते हैं, हर्ब्स होती हैं, और बच्चा जो कि एकदम नया है, 6 महीने तक तो धीरे धीरे उसका डाइजेशन बनने वाला है, उसको आप गुट्टी कैसे दे सकते हो। आपको गुट्टी नहीं देनी है, ना शहद चटाना है, आपको बच्चे को देना है विटामिन डी के ड्रॉप्स। 1 साल तक आपके बच्चे को ड्रॉप्स मिलने चाहिए। विटामिन डी के डोजेस की कैपेसिटी अलग अलग होती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट हो सकती है, 800 इंटरनेशनल यूनिट हो सकती है। तो 400 है तो 1 ml, 800 है तो आधा ml आपको बच्चे को हर दिन देना है। एक निश्चित समय कर लीजिए, या सुबह दीजिए या शाम या दोपहर, ताकि आप भूले नहीं, स्किप ना हो बच्चे के डोजेस। हर दिन बच्चे को जाना चाहिए, और वही बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माँ के दूध में सब मिलता है, विटामिन डी कम मिलता है, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए आप उसको विटामिन डी हर रोज दीजिए। अगली चीज है काजल। काजल क्यों लगाते हैं? आंखें खुलेंगी, आंखें बड़ी दिखेंगी, बच्चा सुंदर दिखेगा, उसे नजर नहीं लगेगा। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि जो आंखें होती हैं उसमें बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनसे आंखों में नमी बनी रहती है। अगर सोचिए, ये जो हमारी पलकें हैं, अगर आंखों में ड्राइनेस हो तो इसे बीमारी कंसिडर किया जाता है, बाहर से ड्रॉप्स डालनी पड़ती है। लेकिन हमारे बॉडी की व्यवस्था है कि आंखों को नमी मिलती रहती है, उन पोर्स से पानी आता रहता है, आंखें नम रहती है। लेकिन काजल लगाने से वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो काजल आप बच्चे की आंखों में, और जबरदस्ती लगाने से कई बार चोट भी लग जाती है आंखों, हाइजीन का भी इशू होता है। काजल जो आप बना रहे हैं उसमें हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, तो काजल बच्चे की आंखों में एकदम नवजात शिशु को बिल्कुल आप अप्लाई ना करें। आप काजल का टीका लगा सकते हैं, अगर आपको काजल अप्लाई ही करना है तो आप टीका लगा सकते हैं बच्चे को काजल का। छठी जो गलती आप करते हैं कि सरसों का तेल, कि हमारे ज़माने में तो हम लोगों को तो सरसों का तेल लगाया गया है, सरसों का तेल सबसे शुद्ध होता है, सबसे अच्छा होता है। सरसों का तेल जो है उसमें सल्फर होता है,
थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, बर्निंग होती है, उससे जलन होती है। न्यूबॉर्न की स्किन कितनी कोमल होती है, आप अगर उस पर कोई इरिटेंट आप लगाते हैं, कोई बिटर चीज़ लगाते हैं, तो उसे भी इरिटेशन होगा, उसको रैशेस भी आ सकते हैं। तो सरसों का तेल आप न्यूबॉर्न को बिल्कुल ना अप्लाई करें किसी दाई के कहने पर, किसी मालिश वाले के कहने पर। आपको क्या लगाना चाहिए न्यूबॉर्न को, तो आप कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लीजिए। कोकोनट ऑयल इज द वर्ल्ड्स बेस्ट मसाज ऑयल फॉर न्यूबॉर्न्स। आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में आप ऑलिव ऑयल यूज करें। कई बार न्यूबॉर्न बेबी को हर चीज से दाने आते हैं, नारियल तेल से भी आते हैं, ऑलिव ऑयल से भी आते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और बेबी की मसाज तुरंत जन्म लेते ही शुरू ना करें। कुछ बच्चों की गठान बहुत मजबूत होती है, वो स्ट्रांग होते हैं और हफ्ते भर में ही वो मसाज करवाने लायक हो जाते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर कमजोर है तो आप तुरंत से जन्म लेते ही मसाज ना शुरू करें। 12-15 दिन थोड़ा सा उसको ठीक होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद आप उसकी मसाज शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 वीक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हड्डियां बहुत कोमल होती हैं, तो आपको मसाज के लिए बाहरी लोगों को हायर करने की नीड नहीं है। जो टेंडरनेस माता पिता दिखा सकते हैं, घर की नानी दादी, घर के लोग कर सकते हैं, वो टेंडर केयर मसाज वाली महिला नहीं करेगी। तो आप मसाज घर के मेंबर्स ही करें, कोमलता के साथ करें, हौले हौले करें। मसाज एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चा अपने फैमिली से, अपने माँ से बॉन्डिंग डेवलप करता है। अगली जो गलती है जो न्यूबॉर्न पेरेंट्स करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी तो बहुत रोता है, बार बार रोएगा, भूख लगेगी तो रोएगा, गीलापन लगेगा तो रोएगा, पेट में डिस्टर्बेंस होगी तो रोएगा, हर बात पे रोएगा, तो उसे बहुत जोर जोर से झूला झूलाना। न्यूबॉर्न बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट रहता है, 3 साल तक तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। तो अगर आप जोर जोर से बच्चे को शेक करते हो, हिलाते हो, झुलाते हो, तो उससे उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इंजरीज हो सकती हैं इंटरनली उसको। जोर जोर से आपको नहीं झुलाना चाहिए, जैसे पेट में बच्चा स्विंग करता है वैसे हल्का हल्का स्विंग आप करा सकते हो, लेकिन जोर जोर से झुलाना या उछालना ऐसा बच्चे के साथ आप बिल्कुल भी ना करें। आजकल बहुत आसान हो गया है बेबी केयर, क्योंकि आज के समय में घर पर आ चुके हैं। आप अगर 40 साल पहले का वक्त देखें तो कपड़े के तिकोने कपड़े होते थे, सूती कपड़े के, और वो ही यूज किए जाते थे, और बच्चा तो थोड़ी थोड़ी देर पे यूरिन पास करता है, और उसको सुखाना, मल्टीपल क्लॉथ्स रखने होते थे और उसको बार बार चेंज करना, क्योंकि ना तो वो मॉइस्चर को होल्ड करता है और बच्चे को तुरंत कीला लगता है, बच्चा रोता है, तुरंत माँ को बदलना पड़ता था। आजकल डायपर आ जाने से बहुत ज़्यादा लोग निश्चिंत हो गए हैं। तो याद रखें, डायपर में बच्चा अगर सुसु किया है या फिर पोटी किया है, तो अगर आप उसे 3-4 घंटे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अरे डायपर है, बढ़िया अब्सॉर्ब कर लेता है, बच्चे को गीला नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिन और पोटी, वो बच्चे के स्किन के कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो रैशेज तो होंगे, तो स्किन रैशेज हो जाते हैं, बच्चों को डायपर रैशेज हो जाते हैं। टाइमली आप डायपर चेंज करें, थोड़ी देर खुला छोड़ें। दिन के समय आप कॉटन की तिकोनी लंगोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के समय आप डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच्चे को रैशेज नहीं होंगे। अदरवाइज न्यूबॉर्न और ज़्यादा इरीटेट होगा, रोएगा, और इससे उसकी फीडिंग और उसकी स्लीप पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। माँ का दूध अगर पर्याप्त नहीं आता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को हो गया है, तो ऐसे में गाय का दूध ला देते हैं कि गाय का दूध बेस्ट होता है। लेकिन याद रखें, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग गाय का दूध 1 साल तक के बच्चों को नहीं देना चाहिए। कई बार आप गाय का दूध बच्चे को देंगे तो उसे डायरिया लग सकता है, तो आप गाय का दूध मत दीजिए। आप गोट मिल्क दे सकते हैं, माँ का दूध दे सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अगर माँ का दूध आ रहा है, नहीं है, कम पड़ रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो आप बेस्ट फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, अदरवाइज गोट मिल्क आप दे सकते हैं, वो बच्चे के लिए इजी टू डाइजेस्ट रहेगा। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने न्यूबॉर्न की केयर करने में, एक अच्छे मम्मी डैडी बनने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।